बहुत आनंद की बात है कि मैं कुछ समय के लिए क्यों ना हूँ, लेकिन यहाँ आके आप सबके साथ थोड़ा देर बिता पा रही हूँ, क्योंकि आप सब अपने गांव में जाकर कुछ कार्य करने के हेतु से यहाँ आए हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते थे कि मेरा विश्वास जो है वो युवा पीढ़ी में है, उनसे मेरे ऐसे सिंह जैसे युवक खड़े होंगे कि जो पूरा देश का चित्र ही बदल डालेंगे, ऐसा विश्वास युवा पीढ़ी पे स्वामी विवेकानंद का था। या जैसा स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तब वहाँ आप जानते हैं, मैं बाद में भी बताऊंगी कि शुरू में उनको बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं, ठंड बढ़ रही थी, उनके पास गर्म कपड़े नहीं। ऐसे समय वो अपने खत में लिखते हैं, उनका जो शिष्य था मद्रास का आलासिंगा पेरुमा, उसको लिखते हैं कि शायद ठंड या भूख से मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसी खत में आगे वो लिखते हैं कि हमने जो सपना देखा था कि अपने देश के लाखों स्त्री पुरुष ईश्वर में दृढ़ श्रद्धा रखते हुए अपने देश के जो वंचित पीड़ित दुखी दरिद्री है उनके प्रति सहानुभूति के कारण मृगेंद्र का धैर्य धारण करते हुए देश के कोने कोने में जाएंगे, सेवा का, समता का, उत्थान का संदेश लेकर जाएंगे, ऐसा उन्होंने अपने खत में लिखा था। यानी कल्पना कीजिए कि खुद का भविष्य भी अंधकारमय है, मैं जिंदा रहूंगा या नहीं स्वामी जी को पता नहीं, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं, भूख या ठंड के कारण वो मर भी सकते हैं, ऐसी स्थिति, ऐसे समय में भी, और वो भी 10,000 माइल के दूर के देश में, और उस समय भी उनके मन में जो चिंता थी, जो पीड़ा थी, वो अपने देश के लोगों के लिए थी, और उस समय भी वो सोचते थे कि मेरे देश के युवा वर्ग से ऐसे युवक युवती निकलेंगे जो देश के कोने कोने में जाकर सेवा कार्य करेंगे। तो इसीलिए ऐसा सेवा कार्य का सपना लेकर जो आप सारे यहाँ आए हैं और आपका जो कुछ महीने का प्रशिक्षण चल रहा है उसमें मैं भी थोड़ी देर, जैसा मुझे बताया गया है, स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद, फिर विवेकानंद शिला स्मारक और थोड़ा बहुत विवेकानंद केंद्र, इन सारे विषयों के बारे में आपके साथ बताने के लिए जो अवसर मिला है उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा तो गौतम जी का ही धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना मुझे सतत फॉलोअप लिया फोन कर कर के कि मुझे हाँ बोलना ही पड़ा, तो इसीलिए उनको धन्यवाद देती हूँ, जयप्रकाश जी को भी देती हूँ। तो यदि हम स्वामी विवेकानंद का जीवन देखते हैं तो उसमें एक घटना ऐसी है कि एक तो वो ईश्वर की खोज में थे, आप जानते हैं, और एक दिन उनको समाधि में जो आनंद मिलना है वो मिल गया। तो जब उनके गुरु ने, श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनको पूछा कि यदि भगवान तुम्हें कुछ भी मांगो कहते हैं तो तुम क्या मांगोगे, उन्होंने कहा मैं बोलूंगा कि बस मैं समाधि के आनंद में ही 24 घंटा रहूं, ऐसा मैं भगवान से मांगूंगा। तो उनके गुरु बोले छी तू इतना स्वार्थी है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना स्वार्थी विचार करोगे, मैंने तो सोचा था कि तुम जो वटवृक्ष जैसे बनोगे और वटवृक्ष जैसे अनेक लोगों को शीतल छाया देता है वैसा तुम करोगे, तुम लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए प्रयास करोगे और तुम खुद के मुक्ति का विचार कर रहे हो, तुम्हें तो माँ का बहुत बड़ा कार्य करना है। तो ऐसा जब गुरु ने बताया, लेकिन वो माँ का कार्य क्या है ये तो बताया नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने समाधि ले ली, अभी ये माँ का कार्य क्या है, तो ये माँ यानी भारत माँ ही हो सकती है जो जगत जननी स्वरूपा है। हम वंदे मातरम में कहते हैं ना, त्वम हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, तो इस माँ का कार्य मुझे करना है
तो पहले तो मुझे समझना है कि क्या कार्य करना है, मुझे मेरे देश की स्थिति समझनी है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद परिव्राजक करके पूरे देश भर में निकले। परिव्राजक करके यानी हाथ में पैसा नहीं लिया, चलना है, भूख लगने से कोई दरवाजा खटखटाना है, भिक्षा मांगनी है, भिक्षा मिलती है तो खाना खाना है, नहीं मिलती है तो आगे जाना है, कहीं भी नहीं मिलती है तो भूखे पेट सो जाना है, पेड़ के नीचे सो जाना है, कोई बुलाता है तो उनके बरांडे में सोना है, और अंदर बुलाता है तो घर के अंदर जाके सोना है, दूसरे दिन सवेरे उठ के फिर से चलते रहना है। लोग सन्यासी के कपड़े थे तो लोग कुछ चर्चा करने आते हैं तो उनसे बातें करनी है। बहुत बार ऐसा होता था कि लोग जब उनसे बातें करते थे तो वो देखते थे, अरे ये तो बहुत ज्ञानी पुरुष है और उनके शब्द तो सीधे हृदय में जाते हैं। तो कुछ लोगों ने फिर उनको अपने घर में बुलाया, कभी उनके साथ आप 2-3 दिन हमारे गांव रही है, उनके साथ चर्चा की, गांव के सब लोगों को बुलाया, ऐसा भी होता था। कभी वो क्या उनका जिस प्रकार का ज्ञान था उसका समाचार कभी कभी महलों में भी पहुंच जाता था, तो महलों से दीवान जी आके उनको महलों में बुलाते थे, चलिए आप हमारे राजा के मुख्य अतिथि करके रहिए। स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए यदि आपके राजा बुला रहे तो आऊंगा, लेकिन एक शर्त पे, जो भी मुझे सर्वसाधारण आदमी मिलना चाहेगा उसके लिए महल के दरवाजे खुले होने हैं, यदि ऐसा है तो ही मैं आऊंगा, नहीं तो मैं इधर ही ठीक हूँ, राजा यहाँ आके भी मुझे मिल सकता है। और इसी शर्त पे वो महल में रहते थे। कुछ महलों में राजा उनके बड़े मित्र हो गए, जैसे हम जानते हैं खेतड़ी के महाराजा राजा अजीत सिंह उनके बड़े मित्र हो गए, तो वो तो चाहते थे कि स्वामी जी इधर ही रहे, लेकिन स्वामी जी ने कहा नहीं मुझे कुछ काम है, और इसीलिए वो कुछ दिन रहते थे, आगे निकलते थे। तो इसे पूरे प्रवास में वो गरीबों के घर रहे, धनी लोगों के महलों में रहे, जिनको हम अज्ञानी कहते हैं उन लोगों से भी चर्चा की, जिनको हम प्रकांड पंडित कहते हैं वो भी स्वामी जी से मिले, उनसे भी चर्चाएं हुई, उन्होंने गांव देखे, शहर देखे, जंगल देखे, सब कुछ देखा। और वो देखते 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 उनके हृदय में एक बहुत बड़ी पीड़ा निर्माण हुई, वेदना हुई। उन्होंने देखा कि ये देश जो कभी स्वर्ण भूमि था, है ना, यानी इस दुनिया का सबसे ज्यादा धनी देश था, वो देश आज दारिद्र्य में गिरा हुआ है। यानी आप जानते हैं कि यूरोप के किसी भी प्राचीन ग्रंथ को आप लेते हैं, यूरोपी क्यों, कोई भी देश के, चीन के भी, किसी भी प्राचीन ग्रंथ को लेते हैं और उसमें यदि भारत का उल्लेख है तो भारत का उल्लेख हमेशा क्या है, ए लैंड ऑफ फैब्यूलस वेल्थ, यानी कल्पनातीत धन जिस देश में है, ऐसे भारत का वर्णन है। फिर अभी अभी यानी 2000 शुरू होने के बाद एक एंगस मेडिसन करके इकोनॉमिस्ट, उनको उन्होंने एक पूरा रिसर्च टीम लेते हुए पूरे एक सी से, जिसको हम पहले एडी कहते थे अभी कॉमन ईरा कहते हैं, एक सी से लेकर अभी तक पूरे विश्व का अर्थ की दृष्टि से यानी अर्थशास्त्र की दृष्टि से अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा कि एक सी से 1700 सी तक भारत ये विश्व का सबसे धनी देश रहा है। 1700 के बाद कभी भारत कभी चीन, ऐसा 1750-1780 तक हुआ, और उसके बाद भारत और चीन पीछे पीछे जाने लगे और यूरोप के देश और बाद में अमेरिका ये ऊपर आने लगे। यानी हम कह सकते हैं कि इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा काल के लिए सबसे ज्यादा धनी देश ये भारत रहा है। और ऐसे देश की स्थिति स्वामी विवेकानंद ने देखी जो दारिद्र्य में गिरा हुआ है। ये भूमि तो सदन थी लेकिन लुटेरों ने इसको लूटा था, ब्रिटिशों ने हमारी सारी पॉलिसीज ऐसी बना के रखी थी कि धन हमारे ना हाथ में रहेगा ना निर्माण होगा। यानी उन्होंने जो अकाल निर्माण किया था उस समय तो अपने देश में 1/3 बंगाल प्रेसिडेंसी की 1/3 पॉपुलेशन मर गई, यानी 3 में से 1 आदमी भूख के कारण मर गया था जो अकाल
जानबूझ के कृत्रिम अकाल निर्माण किया था। तो उस समय तो माँ पिता अपने बच्चों को बेचते थे कि कम से कम जिनको बेचेंगे उनके यहाँ खाना तो मिलेगा, ठीक है, उनका वो बॉन्डेड लेबर करके काम करना पड़ेगा, लेकिन मरेगा तो नहीं भूख के कारण, ऐसी स्थिति। और स्वामी जी जब गए तब भी देश की ऐसी ही स्थिति थी, यानी अत्यंत दारिद्र्य। दूसरा, उन्होंने देखा कि ऐसा देश जो ज्ञान भूमि कहलाता था, है ना, यानी दूर दूर के देशों से लोग यहाँ सीखने के लिए आते थे, ऐसा देश अज्ञान में गिरा हुआ है, हमें पता नहीं हमारे देश के बारे में। आज भी हम देखते हैं, जैसे उत्तर पूर्वांचल का कोई आता है तो हम कहते हैं तुम चीन के हो क्या, तुम नेपाल के हो क्या, तो उन लोगों को बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं कि हम तो हमारे गांव में जय हिंद बोलते हैं लेकिन हमारे ही देश के लोग हमें जानते नहीं है। या कोई दक्षिण से आता है तो हम कहते हैं मद्रासी हो क्या, वो हो सकता है आंध्र प्रदेश से लेकिन हम कहते हैं मद्रासी हो क्या। या जैसे उत्तर भारत से कोई दक्षिण में जाता है, वो हो सकता है गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, छत्तीसगढ़ का हो, कहीं का भी, लेकिन वो उनको कहते हैं अच्छा हिंदी साइडर हो क्या यानी हमारे देश की विविधता ही हम भूल गए, एकात्मता भी भूल गए, विविधता ये सारे इसी देश के हैं ये भी भूल गए, यानी अत्यंत अज्ञान अपने देश के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने वेदों के बारे में। क्या इस देश ने जिंदगी का सोचा है, इस देश ने क्या क्या पूरे विश्व को योगदान किया है, हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में कुछ भी पढ़ाया नहीं जा रहा था। जो मेघालय ने शिक्षा शुरू की उसके कारण एक आत्मविस्मृति, जो रोग हमें आत्मविस्मृति का रोग हो गया, उसके कारण ये भारत अज्ञान में गिर गया था। स्वामी जी ने वो देखा, बहुत दुख हुआ। फिर स्वामी जी ने देखा कि ये देश जहाँ ऋषि मुनि कहते थे कृण्वन्तो विश्वमार्यम, यानी हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, ऐसे कहने वाले ऋषि मुनियों की संतान स्वामी विवेकानंद को प्रायश्चित करना पड़ा जब वो वापस आए अमेरिका से, महात्मा गांधी को करना पड़ा, ऐसी स्थिति थी। यानी हम विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए निकले हुए ऋषि मुनियों की संतान, हमने क्या किया, अपने कृति का संकोच कर दिया, ये अवनति। दूसरा, ऐसे ऋषि मुनियों की संतान जिन्होंने हमें बताया था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर स्वरूप हूँ, मेरे अंदर ईश्वरीय शक्ति है, यदि मैं सोचता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इफ आई थिंक आई कैन, ऐसी ताकत, ऐसा विश्वास देने वाले ऋषि मुनियों की संतान क्या हो गई थी, आत्मविश्वासहीन हो गई। उन्होंने देखा अपने देश के युवकों के आंखों में कोई सपने नहीं, बस एक ही है, मुझे कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो बस मेरा भला हो गया, जन्म का भला हो गया। कहां हम ऐसे गिर गए, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे क्या होगा, हम अकेला क्या कर सकते हैं, सारा परिस्थिति बेकार है, ऐसे रोने वाले हम कैसे हो गए। हम तो कहते थे कि यदि मैं सोचता हूँ और डट के खड़ा होता हूँ तो मैं परिस्थिति को बदल सकता हूँ, ऐसे सोचने वाले इस देश के युवा थे, और इसीलिए पूरे विश्व में वो इस संस्कृति का प्रसार उन्होंने किया था। और आज हम अपने ही संस्कृति का पालन मैं मेरे जीवन में मैं कैसे करूंगा, लोग क्या बोलेंगे, वो मेरी मजाक उड़ाएंगे, हम ऐसे रोने वाले कैसे हो गए। बहुत दर्द, स्वामी जी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन स्वामी जी ने इन सारे अवनति के बावजूद भी उन्होंने देखा कि इस देश में बहुत विशेषता भी है। उन्होंने देखा कि जैसे इस देश में इतनी विविधता है, कपड़े पहनने के तरीके, भगवान का नाम, उत्सवों का नाम, भाषा, इतना अलग अलग है। जैसे मैं आपको यदि कुछ नाम बताऊं तो आपने वो कभी सुने भी नहीं होंगे, है ना, सिंह बोंगा, बथाऊ, आने दोनी, किने नाने, जीत आने, नानी इंताया, रंगफ्रा, ये नाम सुने हैं क्या, नहीं सुने हैं।
ऐसे अनेक नाम है, चुड़ले मारन, इसकी अम्मन, ऐसे बहुत सारे नाम है, अभी हमने ये सुने भी नहीं है, ऐसे अनेक भगवान के नाम पूरे भारत भर, लेकिन कोई भी जाके दूसरे को कहता नहीं है तेरा भगवान झूठ है और मेरा भगवान सही है। ए, ये दुर्गा की क्या पूजा कर रहे हो, मेरे आने दोनी की करो, ऐसा कोई अरुणाचल आके दूसरे को कहता नहीं। कोई दूसरे को जाके कहते हैं कन्याकुमारी देवी क्या है, तुम तो सिर्फ दुर्गा की पूजा करनी है, कोई ऐसा कहता नहीं। कोई कहता नहीं शिव जी क्या है, विष्णु की पूजा करो, नहीं। यानी एक ही ईश्वर अनेक नामों से अनेक रूपों में पूजा जा सकता है, और पूजा नहीं करनी है तो अपने ध्यान से, अपने प्रयास से ईश्वर है या नहीं ये ढूंढ भी सकते हैं और उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। ऐसा परम आध्यात्मिक स्वातंत्र्य सिर्फ इसी देश में है और कहीं नहीं। और स्वीकार भी दूसरों के भगवान का, ओके तुम्हारे लिए वो अच्छा है मेरे लिए ये है, कितना बड़ा विशेष है। दूसरा, उन्होंने देखा कि इस देश में आज भी त्याग का महत्व है, यानी जैसे स्वामी जी का अनुभव था जब वो जाके भिक्षा मांगते थे, तब स्वामी एक सन्यासी अपने दरवाजे पे आया है करके उस घर की माँ कभी स्वयं भी भूखा रहते हुए उनको खाना देती थी, या जब वो रास्ते से जा रहे कोई किसान देखता था कि कोई सन्यासी जा रहा है, किसान बुलाता था आइए खाने का समय हो गया, और अपनी जो चार रोटी खुद के लिए लाया होता था वो इस सन्यासी को दे देता था। स्वामी जी कहते थे अरे तुम्हारे लिए क्या, नहीं मैं तो घर जाके रोटी खा लूंगा, आप खा लीजिए। सन्यासी का यानी त्याग का सम्मान, त्याग और सेवा इस राष्ट्र के आदर्श है, भारत के राष्ट्रीय आदर्श है, स्वामी जी कहते थे। फिर उन्होंने देखा कि जीवन में कठिनाइयां दुख पचाने की शक्ति, वो भी इस देश में उन्होंने देखी, यानी अकाल पड़ा है फिर भी वो किसान जमीन यानी हल चला रहा है, कोशिश कर रहा है। और कभी कभी स्वामी जी पूछते थे अरे तुम्हें बहुत कठिनाई हो रही है ना, वो कहता है क्या करे स्वामी जी ये सारी भगवान की लीला है। यानी जिसकी आध्यात्मिक गहराई होती है वही जीवन की समस्याओं को सहजता से झेल लेता है, उसको पचा लेता है। और उन्होंने देखा कि जिनको हम अनएजुकेटेड कहते हैं ऐसे लोगों में आज भी वो ताकत है। तो बाह्य रूप से ये देश की अवनति हुई है, लेकिन फिर भी ये आध्यात्मिक देश है, इसकी संस्कृति आज भी कायम है, ऊपर राख जमी है उसको यदि निकाल देते हैं तो आज भी वहां अध्यात्म की अग्नि जीवंत है, स्वामी जी ने देखा। और ऐसा ही सारा प्रवास करते हुए आखिर स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी जब पहुंचे उनको लगा मैं तो पूरा हिमालय से लेते हुए कन्याकुमारी आया, अभी तो वापस जाना है, लेकिन मैंने मेरे देश के लिए, मेरे भारत माँ के लिए क्या करना है इसका जवाब तो मुझे कुछ मिला नहीं। तो बड़े दुख से उन्होंने माँ का दर्शन किया, बड़ी प्रार्थना की, आंखों से आंसू झर रहे थे। ऐसे ही वो मंदिर से जब बाहर आए तो उन्होंने समुद्र में थोड़ा दूर एक बहुत भव्य शिला देखी, और वो शिला देखने के बाद उनको लगा कि मैंने भी वहां जाना चाहिए। तो उन्होंने किसी को पूछा उस शिला का कुछ महत्व है क्या, तो लोगों ने बताया हाँ यही कन्याकुमारी देवी ने शिव जी के लिए तपस्या की थी। तो उन्होंने कहा देखिए पार्वती जो कन्याकुमारी जन्म लिया उन्होंने दक्षिण में, वो शिव जी जो कैलाश में हैं उनके लिए यहाँ तप किया है, तो उनके तप में तो पूरा भारत निहित है, सम्मिलित है, तो मैं वहां जाके ध्यान करूंगा। और वो स्वामी जी गए, पास पैसे नहीं थे तो समुद्र में ही छलांग लगाई और उस शिला पे जाके उन्होंने 3 दिन 3 रात ध्यान किया। अभी देखिए अपने भारत के इतिहास का हम कह सकते हैं ये सुनहरा क्षण था कि एक सन्यासी खुद की मुक्ति के लिए ध्यान नहीं कर रहा है, ईश्वर साक्षात्कार के लिए ध्यान नहीं कर रहा है, उसके ध्यान का विषय क्या है कि मेरे देश के पुनरुत्थान के लिए मैं क्या करूं।
और जब हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना, मैं क्या करूं, अपने जीवन का आत्मोन्नति का मार्ग खुल जाता है। और स्वामी जी जब वहां बैठे थे, उनके आंखों के सामने पूरे भारत का सांस्कृतिक इतिहास आया और उन्होंने देखा एक ही सारे रोगों की जड़ ये है, आत्मविस्मृति, आत्मविश्वासहीनता। मेरे लोगों का आत्मविश्वास जागृत करना पड़ेगा, स्वयं के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, अपने संस्कृति के ऊपर। लेकिन ये कैसे करें? पढ़े लिखे लोग तो पश्चिम की तरफ देखकर बैठे हैं, है ना, और जो गरीब है उनकी क्या स्थिति है, अगला खाना कहाँ से आएगा, ये स्थिति है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने सोचा मैं क्या करूं। उसी समय उनके आंखों के सामने एक घटना आई। वो घटना ऐसी थी कि जब श्री रामकृष्ण थे, बहुत सारे लोग उनकी मजाक करने आते थे, ए क्या साधु है, क्या समाधि है, ये क्या है, ऐसी मजाक करते थे। उसमें कुछ लोग ऐसे भी आते थे, कहते थे भारतीय संस्कृति कुछ नहीं है, ये भगवत गीता तो क्या, ये तो ऐसा ही ग्रंथ है, वगैरह 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 उनका ऐसा चलता था। एक दिन वही आदमी जो भगवत गीता की हमेशा मजाक करता था, वो आके उसने बोला कि भगवत गीता जैसा ग्रंथ नहीं है, उसमें जो तत्वज्ञान है वो विश्व के सारे तत्वज्ञान का निचोड़ है, वगैरह वगैरह वो स्तुति करने लगा। तो ये सारे शिष्य बड़े अचंभित हो गए। और जैसे ही ये व्यक्ति चला गया, नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी, पहले के स्वामी यानी बाद के स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपने गुरु को प्रश्न पूछा कि कैसे ये आदमी ऐसे बदल कैसे गया, कैसे बदल गया होगा, आप कुछ सोच सकते हैं? अध्ययन करने के बाद और और कोई कैसे बदल गए होंगे? उनके जीवन में समस्या होगा तो उसमें गीता में तो सारी समस्याओं का हल है। ये तो गीता को गाली देने वाले थे और आज एकदम स्तुति कर रहे हैं, कैसे बदल गए? तो नरेंद्रनाथ दत्त को यही उत्सुकता थी, वो ऐसा कुछ भी चीज ऐसे ही लेते नहीं थे, उसका मूल जानने का हमेशा प्रयास करते थे। तो उन्होंने अपने गुरु को पूछा, अरे ये महाशय ऐसे बदल कैसे गए? गुरु ने कहा, अरे उन्होंने किसी फॉरिनर ने गीता की स्तुति किया हुआ पुस्तक पढ़ा होगा। तो नरेंद्रनाथ दत्त छोड़ने वाले थे नहीं, वो तुरंत निकले, दरवाजे से गए, वो आदमी जा ही रहा था, उसके पीछे दौड़ते हुए गए, बोले अरे मिस्टर रुकिए, आप आज गीता की इतनी स्तुति कर रहे हैं, इसके लिए क्या प्रूफ है? अभी इसके लिए प्रूफ क्या है? मेरे दादाजी कहते हैं गीता पढ़ो, मेरे माँ कहती है, या अपने शंकराचार्य कहते हैं, यही प्रूफ होना है ना। लेकिन इन्होंने कहा मुझे पता है तुम जैसे युवा प्रश्न पूछेंगे, देखो मैं ये पुस्तक लेकर आया हूँ, ये अंग्रेजी का अनुवाद है भगवत गीता का, और पता है वॉरेन हेस्टिंग ने इसके लिए प्रस्तावना लिखी है, और वो कहते हैं ब्रिटिश राज भारत से चला जाएगा तो भी आज जो हमने ये काम किया है वो हमेशा के लिए चमकता रहेगा। क्या दिखता है इससे, क्या समझता है इससे? गुलामी मानसिकता है ना। यदि पश्चिम ठीक कहते हैं तो ठीक है, मेरे दादाजी कहते हैं तो वो ठीक नहीं है, मेरे आचार्य कहते हैं वो ठीक नहीं है, मेरे समाज के बड़े लोग उसको कहते हैं ए भगवत गीता क्या है, ए अपनी संस्कृति क्या है। लेकिन बाहर अमेरिका योग करने लगता है तो हमें लगता है अरे हमने भी योग सीखना चाहिए, है ना। तो स्वामी जी ने देखा कि ये कुछ बरसों की जो गुलामी हमें हमारी हुई है, हम पश्चिम उसकी सराहना करते हैं तभी हम सुनेंगे। तो मैं तो अभी ऐसा करूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं सर्वधर्म परिषद में सहभागी होऊंगा, वहां मैं हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करूंगा, हिंदू धर्म के जो शाश्वत सनातन तत्व है वो मैं लोगों के सामने रखूंगा। जब लोग इसकी स्तुति करेंगे वहां के लोग, तब मेरे देश के लोगों का आत्मविश्वास वापस आएगा। निर्णय तो लिया, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे लोगों ने उनको बताया था स्वामी जी आपने वहां जाना चाहिए, स्वामी जी ने कहा नहीं मुझे तो मेरे देश की सेवा करनी है। लेकिन अब स्वामी जी ने निर्णय लिया, मद्रास आए, अपने शिष्यों को बताया कि देखो मैं वहां जाने वाला हूँ, तुम सारे मेरे इसकी तैयारी करो।
मैं सन्यासी, अच्छा कोट वगैरह सिला के दिया, कोट यानी थोड़े अच्छा शर्ट वगैरह जो पहन सकते हैं, नहीं तो स्वामी जी तो क्या नीचे एक धोती ऊपर एक उत्तरी ऐसे ही जा रहे थे। तो वो सारे दिए और उनका जाने का फर्स्ट क्लास का टिकट कर दिया, हाथ में वापसी के टिकट के पैसे दिए और स्वामी जी फिर निकले। एक महीने के बाद अमेरिका यानी जहाज से प्रवास करके वो अमेरिका पहुंचे। आप जानते हैं वहां पहुंचने के बाद उनको पता चला कि वो जो सर्वधर्म परिषद है उसमें रजिस्ट्रेशन करने की डेट चली गई, दूसरा कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है, उसके हाथ में किसी संगठन का या कोई नामांकित व्यक्ति का परिचय पत्र होना है, स्वामी जी के हाथ में कुछ नहीं। और उतना ही नहीं, वो परिषद सर्वधर्म परिषद 2 महीना पोस्टपोन हो गई है। स्वामी जी ने कहा अरे मेरे हाथ में कुछ परिचय पत्र नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ प्राप्त कर सकूं इसी के लिए 2 महीना पोस्टपोन हुई है। क्या आत्मविश्वास है, देखिए कि ये जो भी हो रहा है ये बस भारत माता के उत्थान के लिए है, जिसका साधन मैं हूं और जिसका इंस्ट्रूमेंट मैं हूं। और इसीलिए स्वामी जी एकदम उत्साह से निकले, अभी प्रयास करने लगे और उनके ध्यान में आया ये अमेरिका है, वो कुछ भी जाके किसी से बात करते हैं, यू निगर गेट आउट, और तुम्हारे पास तो कोई पत्रक नहीं है, वहां भिक्षा नहीं मांग सकते हैं, भिक्षा मांगने से काले कुत्ते गेट आउट वगैरह, उनको ना भिक्षा मिल रही है, जाके किसी पार्क में वगैरह सोते हैं, घरों को वरांडा तो है ही नहीं, पार्क में वगैरह सोते हैं तो उनको वहां से निकाला जा रहा है, ये ट्रेसपास है, आपको तो होटल में ही रहना है। स्वामी जी के जो वापसी के टिकट के पैसे थे वो वेग से खत्म होने लगे। कोई होता तो कहता बाबा रे मैंने तो प्रयास किया, अब वापस चला जाऊं, नहीं तो पैसा कहां से लाऊंगा मैं वापस जाने का, है ना, ऐसा सोचता। लेकिन जीवन में कुछ ध्येय लेकर निकले हैं, चाहे जो हो, चाहे जो कठिनाई आए, हमने डटे रहना है, मार्ग मिलता जाता है। यही स्वामी जी के जीवन से हम सीख सकते हैं कि डटे रहना है, मार्ग मिलता जाता है। और स्वामी जी डटे रहे, फिर किसी ने उनको बताया कि ये बोस्टन थोड़ा चीपर है शिकागो से, आप बोस्टन जाइए, 2 महीने के बाद वापस आइए। तो स्वामी जी बोस्टन गए, ट्रेन में एक औरत बैठी थी, वृद्ध महिला थी, और उन्होंने देखा ये युवा बैठा है, चित्र विचित्र पोशाक किया है, तो वो उनको प्रश्न पूछने लगी और स्वामी जी ने एकदम अच्छे इंग्लिश में जवाब दिया। तो उन्होंने कहा वाह अरे मजा है, मैं इनको मेरे ही घर बुला लूंगी और रोज शाम को मेरे मित्रों को इकट्ठा करूंगी और हम थोड़ी इस व्यक्ति की मजाक उड़ाएंगे, ऐसा उस व्यक्ति ने सोचा। उनका नाम मिस केट सनबॉर्न था। तो उन्होंने स्वामी जी को पूछा आप बोस्टन में कहाँ रहने वाले हैं, आप मेरे घर रह सकते हैं। स्वामी जी ने सोचा अरे चलो अच्छा हुआ, खाने पीने की समस्या समाप्त हुई, अभी स्वामी जी को पता नहीं कि ये अमेरिका है और उनका हेतु क्या है ये भी स्वामी जी को तब पता नहीं चला। तो स्वामी जी गए, फिर बाद में उनको जब पता चला, वो अपने खत में लिखते हैं आई एम बींग प्रेजेंटेड एज ए क्यूरियो बाय माई लैंड लेडी। ठीक है, तो रहने खाने की व्यवस्था हो गई ऐसा स्वामी जी को लगा, लेकिन हर हफ्ते में वो लैंडलेडी उनके लिए बिल लेकर आती थी, आपने इतना खाना खाया, इतने दिन रहे, इसका पैसा देना है। तो स्वामी जी ने देखा कि उनको तो पैसे के लिए कुछ करना पड़ेगा, फिर वो कभी चर्चेस में जाकर लेक्चर देते थे, बहुत अच्छा बाइबल का भी अभ्यास किया था, और क्योंकि लेक्चर देने से कुछ पैसा मिलता है किसी ने बताया, और ये लैंडलेडी भी लोगों को लाके इनकी मजाक करने का प्रयास शुरू किया। लेकिन यदि अपना आंतरिक मूल्य अच्छा है ना, यानी अपना आंतरिक ज्ञान पक्का है, तो बाहर से देखकर कोई भी हमारी मजाक उड़ाने का प्रयास करे नहीं कर सकते हैं। ये लोग जब आए और स्वामी जी को उल्टे सीधे प्रश्न पूछने लगे और स्वामी जी ने जिस प्रकार से जवाब देना शुरू किया, वो इतने प्रभावित हो गए कि वो तो स्वामी जी से सीखने के लिए आने लगे और लोगों को लेकर आने लगे। फिर किसी ने तो स्वामी जी को बोला अरे आपने तो सर्वधर्म परिषद में जाना है। इन्होंने कहा मैं तो जा नहीं सकता, मेरे पास कोई परिचय पत्र नहीं है, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं है। तो उन्होंने कहा वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राइट आपको दे सकते हैं, मैं आपको उनसे मिलाऊंगा। और फिर उन्होंने प्रोफेसर राइट से मिलवाया। प्रोफेसर राइट ने फिर उनको बताया कि आपने तो सहभागी होना ही है सर्वधर्म परिषद में, मैं आपके लिए परिचय पत्र लिख के देता हूँ। और उन्होंने खत लिखा डॉक्टर बैरोज जो ऑर्गेनाइजर थे ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के, उन्होंने लिखा कि हियर इज ए मैन, ध्यान से सुनिए, हियर इज ए मैन हुज नॉलेज इज
मोर देन द नॉलेज ऑफ ऑल अवर प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। यानी यहां ऐसा व्यक्ति है जिनका ज्ञान हमारे सारे प्रोफेसर से ज्यादा है। सारे बोल रहे हैं, सिर्फ फिलोसफी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, सारे प्रोफेसर से ज्यादा है। सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नहीं बोल रहे हैं। यानी क्या स्वामी जी ने क्या ज्ञान संपादन किया होगा हम सोच सकते हैं। और उन्होंने ही फिर स्वामी जी के तब तक सारे पैसे समाप्त हो गए थे, 3 दिन बचे थे अभी 11 सितंबर को, तो स्वामी जी को प्रोफेसर राइट ने टिकट खरीद के दिया बोस्टन से शिकागो का, हाथ में थोड़े से पैसे भी दिए। और ये डेलीगेट्स की रहने की खाने की व्यवस्था जहाँ होने वाली थी वो पता भी दिया। और स्वामी जी निकले, शिकागो पहुंचे, और दुर्दैव से पहुंचने के बाद पता चला उनका जेब किसी ने काट दिया है, तो वो पता भी गया पैसा भी गया। अभी फिर से दरवाजा खटखटाने लगे, पूछने लगे कि वो सर्वधर्म परिषद के प्रतिनिधि की रहने का स्थान कहाँ है। लेकिन पता नहीं क्यों वो एरिया ऐसा था, उधर के लोग जर्मन के थे, जर्मन रेस के थे, पता नहीं जो भी है, किसी ने उनको 3 दिन पता बताया नहीं। लोग उनके मुंह पे दरवाजे बंद कर रहे हैं, उनको निगर कह रहे हैं, निगरो कह रहे हैं, ब्लैक डॉग कह रहे हैं। और स्वामी जी दिन भर घूमते थे, रात में वापस जाके रेलवे स्टेशन पे सोते थे, फिर से दूसरे दिन निकलते थे। अभी तीसरे दिन तो ये सर्वधर्म परिषद शुरू होने वाली है, फिर से वो निकले, लेकिन वो चल नहीं पाए क्योंकि कुछ खाना नहीं, ठीक से नींद नहीं, और सतत पैदल चले थे। आखिर थके भागे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने जगत जननी की प्रार्थना की कि माँ, अब तक तो मैंने सारे प्रयास किए, अभी तुम्हारी इच्छा है तो कुछ होगा, नहीं तो मेरा शरीर मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कर कहते हुए स्वामी जी बैठ गए। और सच में ये जगत जननी की इच्छा है, ये ईश्वर की इच्छा है कि इस राष्ट्र का पुनरुत्थान होगा ही। और इसीलिए हम देखते हैं कि अभी तक स्वामी जी दरवाजे खटखटा रहे थे, और अभी क्या हुआ पता है कि स्वामी जी ऐसे पेड़ के नीचे बैठे हैं, बीच में बहुत बड़ा रास्ता है, और उस पार एक बहुत आलीशान घर है, और उस घर की बालकनी में एक स्त्री गई, मेरी नाम था उनका। वो जब गई तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे कोई एक विचित्र ऑरेंज रंग का पोशाक पहने एक व्यक्ति बैठा है। अभी वो स्वयं आई, उतरी, सीढ़ियां उतर के दरवाजा खोल के रास्ता पार करके स्वामी जी के पास गई, और उन्होंने उनको पूछा, क्या आप सर्वधर्म परिषद में आए हुए प्रतिनिधि है? स्वामी जी ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी ये समस्या है। उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेरे पति भी वहीं जाने वाले हैं, मेरी बेटियां, हम सब उधर जाने वाले हैं। आप मेरे घर आइए, फ्रेश हो जाइए, खाना खा के हम निकलेंगे। और ऐसा करते हुए मिस्टर और मिसेस हेल, उनका टाइटल HALE हेल था, तो वो स्वामी जी को सर्वधर्म परिषद के वो आर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट के हॉल में लेकर गए। अभी स्वामी जी जब आखिर बोलने के लिए खड़े हुए, हम सब जानते हैं, लेकिन देखिए स्वामी जी को प्रोफेसर राइट, मिस्टर एंड मिसेस हेल जैसे मदद करने वाले भी लोग थे, या केट सनबॉर्न भी, उन्होंने जिन्होंने बाद में मदद किया, या ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने उनको काला कुत्ता, निगर, गेट आउट ऐसा बोला, उनके मुंह पे दरवाजे बंद किए। तो स्वामी जी ने देखा कि ये अच्छे बुरे सबके परे जाकर मैं कौन हूं यही मनुष्य जानने के लिए जन्म लेता है। और इस एक हम कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी आत्मबुद्धि में स्थित होते हुए स्वामी जी के मुंह से शब्द निकले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। हमें ऐसे बताया जाता है कि बाकी लोग लेडीज एंड जेंटलमैन कहते थे, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स भी बोला था, लेकिन उनके शब्द का परिणाम नहीं हुआ। स्वामी जी ने जब इन शब्दों का उच्चारण किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, 7,000 पढ़े लिखे अमेरिकन उठकर तालियां बजाने लगे। स्वामी जी को समझा ही नहीं क्या हो गया, 3 मिनट तालियां चलती रही, सारे पत्रकारों को समझा नहीं। पत्रकारों ने जाके बाद में लोगों को पूछा, अरे भाई ये 5 शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और इसके लिए आप तालियां बजा रहे थे इतनी देर?
पता नहीं, सच में मुझे ऐसे लगा मेरा भाई वहां खड़ा है, किसी ने बताया, किसी ने कहा जैसे मेरे शरीर से करंट चला गया, किसने कहा क्या मैजिक हुआ पता नहीं, किसने कहा मेरे आंखों में तो आंसू आ गए, किसी ने कहा मेरे गले में कुछ कुछ हो गया जब उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स करके हमें पुकारा, यानी। और सच में उनके भाषण के बाद जैसा हम जानते हैं लोग उनसे हस्तांदोलन कर रहे हैं, अपने घर बुला रहे हैं। स्वामी जी की रहने की व्यवस्था एक आलिशान घर में की गई क्योंकि सब लोग उनको अपने घर बुलाना चाहते हैं। अभी कल्पना कीजिए, 3 दिन स्वामी जी स्टेशन पे सो रहे थे, अभी उनको सोने के लिए अच्छा पलंग मिला है, गद्दा मिला है, सारी व्यवस्था है। स्वामी जी बालकनी में गए, खड़े हुए और उनको याद आया अपने देश के छोटे छोटे बच्चे जिनको ठीक से खाना नहीं मिलता है, अपने देश की स्त्रियाएं जिनको ठीक से कपड़े नहीं मिल रहे थे, अपने देश के युवा जिनके आंखों में कोई सपने नहीं है, वो बाहर जा रहे अंदर आ रहे, बाहर जा रहे अंदर आ रहे। कितना जल्दी मेरा देश का पुनरुत्थान होगा, कब मेरा देश अपने वैभव से खड़ा होगा, स्वामी जी सोच रहे। और वो जो सतत अपने देश की स्थिति लेकर जो सोच रहे थे, वो पलंग पे सो नहीं पाए, उनके आंखों से आंसू झर रहे हैं। आखिर तो जो कारपेट थी नीचे ही लेट गए, उनके आंखों से आंसू झर रहे हैं। जब उस घर के यजमान स्वामी जी को पूछने के लिए आए सवेरे कि आपको कुछ चाहिए क्या, तो उन्होंने देखा स्वामी जी के आंखों से आंसू झर रहे हैं। उन्होंने पूछा स्वामी क्या हुआ, स्वामी जी ने कहा कुछ नहीं, मुझे मेरे देश के लोग याद आए। ऐसा अत्यंतिक प्रेम, यानी सेवा करनी है उसका और एक जो क्वालिफिकेशन है वो अपने देश के लोगों के प्रति प्रेम, चाहे वो हमें समझे ना समझे, ये मेरे लोग हैं और कितना जल्दी मैं इनकी स्थिति को ठीक कर सकता हूँ, ऐसा प्रेम स्वामी जी ने इस भारत के ऊपर किया। और इसीलिए हम देखते हैं पूरे भारत भर में स्वामी जी के प्रति अत्यंत श्रद्धा आदर। फिर हम जानते हैं कि 3.5 बरस स्वामी जी वहाँ रहे, फिर वापस आए, वापस आने के बाद पूरे भारत भर उनके भाषण हुए, जो कोलंबो व्याख्यान करके प्रसिद्ध है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा। उन्होंने भारत को बताया कि तुम्हें पश्चिम से सीखने के लिए कुछ है, निश्चित है, लेकिन बहुत ज्यादा पश्चिम को सिखाने के लिए है, अपना अध्यात्म अपनी संस्कृति तुम्हें उनको सिखाना है, और इसीलिए समानता से उनके साथ व्यवहार करो, गुलाम जैसा व्यवहार मत करो, भारत उठो और अपने अध्यात्म से पूरे विश्व को जीत लो, स्वामी जी ने संदेश दिया। स्वामी जी ने फिर से संदेश दिया कि दे अलोन लिव हु लिव फॉर। तो आज भी ऐसे अनेक संगठन हैं, जैसे अभी हम अपने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को मिलने गए थे तो वो बता रहे थे कि उन्होंने एक स्वर्ण प्रभा ट्रस्ट शुरू किया है और उसका उनकी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद है, पूरा आंध्र में उनका जो सेवा कार्य चलता है, ऐसे अनेक जगह, यानी थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स है। तो स्वामी विवेकानंद की जब जन्म शताब्दी आई, स्वामी जी ने तो बहुत जल्दी अपने शरीर को छोड़ दिया, जब जन्म शताब्दी आई तो कन्याकुमारी के लोगों ने सोचा कि यही तो शिला है जहां एक अज्ञात सन्यासी क्या बन गया, जगतगुरु बन गया, क्योंकि यही उन्होंने अमेरिका जाने का निर्णय लिया था, तो यहाँ स्वामी जी का कुछ स्मारक बनाना चाहिए, उनकी एक मूर्ति लगानी चाहिए, ऐसा कन्याकुमारी के लोगों ने सोचा। लेकिन वहाँ कन्याकुमारी क्रिश्चियन मेजॉरिटी जिला है, तो वहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी के किसी एक सेक्शन को किसी ने उकसाया और उन्होंने बताना शुरू किया कि नहीं नहीं यहाँ सेंट जेवियर का स्मारक होना है। और उन्होंने क्या किया, सेंट जेवियर का अपना वो क्लेम दिखाने के लिए उन्होंने रातों रात उसमें एक पत्थर का बहुत बड़ा क्रॉस लगा दिया। तो जब सरकार के पास ये विवेकानंद शिला स्मारक समिति गई तो उन्होंने कहा हम भी मानते हैं वो ट्रेसपास है, लेकिन हम उस क्रॉस को नहीं निकालेंगे। और ऐसा जब हो गया तब वहाँ के सारे मछुआरे क्रिश्चियन हैं, इसलिए केरल से संघ के कुछ स्वयंसेवक, मछुआरे स्वयंसेवक, वो कन्याकुमारी आए और वहाँ रहने लग गए। और एक दिन रातों रात ये जो पत्थर का क्रॉस था उसको भी तोड़ के उठा दिया। तो वो समस्या, यानी क्रॉस लगाया तभी से समस्या हो गई, कम्युनल इशू हो गया। अभी क्रॉस निकाल दिया तो सरकार ने 144 लगा दिया।
फिर सरकार ने कहा कि यहाँ किसी का स्मारक नहीं होगा, ना स्वामी विवेकानंद का होगा ना सेंट जेवियर का होगा, लेकिन हम मानते हैं कि ये विवेकानंद शिला ही है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के खत में इसका उल्लेख है कि सिटिंग ऑन द लास्ट बिट ऑफ इंडियन रॉक आई हिट अपॉन ए प्लान। तो इसीलिए ये विवेकानंद शिला है। आप यहाँ एक ऐसा बोर्ड लगा दीजिए कि स्वामी विवेकानंद यहाँ आए, उन्होंने ये 25, 26, 27 दिसंबर 1892 में यहाँ ध्यान किया, और ये विवेकानंद शिला है। वहां कन्याकुमारी ने जो तप किया ना, तो कन्याकुमारी का एक पद चिन्ह भी है। तो ये श्रीपाद शिला भी है और विवेकानंद शिला भी है, ऐसा आप एक बोर्ड वहां लगा दीजिए, लेकिन स्मारक नहीं होगा। तो बोर्ड लगा दिया, तो बोर्ड लगा दिया, तो उन लोगों ने जाके बोर्ड को तोड़ दिया। तो ऐसा सारा होने के कारण आखिर वो चीफ मिनिस्टर इतने ये हो गए, उन्होंने कहा इस शिला पे मेरे जन्म में मैं होते हुए कुछ नहीं होने दूंगा, किसी का स्मारक नहीं, स्मारक नहीं बनेगा। तो अभी तो समस्या हो गई। तो फिर ये विवेकानंद शिला स्मारक समिति के लोग संघ के उस समय के जो सरसंघ चालक थे श्री गुरु जी, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आप एकनाथ जी रानड़े को ये काम सौंप दीजिए, क्योंकि एकनाथ जी रानड़े के बारे में ऐसा कहते थे कि उनके डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, कुछ करना है तो वो करके ही रहते हैं, तो ये दे दीजिए। अभी ये कम्युनल इशू था, कन्याकुमारी क्रिश्चियन मेजोरिटी जिला है, क्रिश्चियंस बोल रहे हैं यहाँ सेंट जेवियर का स्मारक लगना है, और शिला स्मारक समिति को स्वामी विवेकानंद का करना था, क्योंकि वैसा उल्लेख भी है स्वामी जी के खत में, जेवियर वहां गए वगैरह ऐसा कोई प्रूफ नहीं था। तो एकनाथ जी को ये दायित्व दिया गया। एकनाथ जी ने क्या किया, एकनाथ जी गए रामकृष्ण मिशन और उन्होंने स्वामी जी को बोला कि ऐसा दायित्व मेरे पास आया है, वैसे विवेकानंद का स्मारक तो आपने बनाना है। तो स्वामी जी बोले ये सारे झमेले में हम नहीं पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ तो निदर्शन करना होगा, लेकिन आप इस काम को जरूर कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारा मेरा आशीर्वाद है, ठाकुर का आशीर्वाद है, और आपका जन्म इसके लिए हुआ है। तो स्वामी जी ऐसे रामकृष्ण मिशन यानी जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ऐसे सन्यासी संगठन के आशीर्वाद लेते हुए एकनाथ जी मद्रास आए। फिर उन्होंने देखा कि इसमें तीन स्तर पे कठिनाइयां हैं, लोकल कम्युनिटी कहती है नहीं होना है, चीफ मिनिस्टर कहते हैं मैं मेरे जन्म में नहीं होने दूंगा, और जो यूनियन कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर थे हुमायूं कबीर, उन्होंने बताया कि मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ यदि स्मारक होता है तो यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। तो अभी उनको कोट करते हुए चीफ मिनिस्टर बोल रहे थे यहाँ कुछ नहीं होगा। तो एकनाथ जी ने सोचा पहले तो हुमायूं कबीर को मिलेंगे, तो उन्होंने उनसे अपॉइंटमेंट मांगना शुरू किया, लेकिन ये थे पॉलिटिशियन, ये तो उनको समय ही नहीं दे रहे, क्योंकि पता है ये अभी शिला स्मारक के संगठन सचिव है, शिला स्मारक समिति के। तो एकनाथ जी ने प्रयास किया, फिर एकनाथ जी तो ऐसे थे कि किसी भी समस्या के जड़ में जाएंगे, अच्छा ये समय नहीं दे रहे तो ये कहाँ के हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कलकत्ता थी हुमायूं कबीर की, हाँ तो वो कलकत्ता गए, सारे पत्रकारों को मिले पहले 1-to-1, फिर उन्होंने पत्रकार परिषद ली और उन्होंने बताया देखिए कलकत्ता के लोगों ने हुमायूं कबीर को चुन के भेजा है, ठीक है, और ये हुमायूं कबीर स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म स्थान कलकत्ता है उनके स्मारक के लिए विरोध कर रहे हैं। तो दूसरे दिन सारे समाचार पत्र में आ गया कि हुमायूं कबीर बहुत बड़ी बाधा है विवेकानंद के स्मारक के लिए वगैरह, अभी तक ये समय नहीं दे रहे थे, अभी उनके ऑफिस से एकनाथ जी को फोन गया जल्दी मिलने के लिए आइए। तो एकनाथ जी ने बताया मैं तो आपको मिलने की राह देख रहा था, तो बोले ये आपने क्या बता दिया पत्रकारों को, तो बोले यही तो चीफ मिनिस्टर बता रहे थे, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता था कि आप स्मारक के खिलाफ है क्या, लेकिन आपने समय नहीं दिया तो मैंने बता दिया वैसे। तो उन्होंने कहा नहीं 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 मैं स्मारक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं स्वामी विवेकानंद के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं हूँ, और आपने ये जो बता दिया आपने ये अच्छा नहीं किया, आप फिर से पत्रकारों को बता दीजिए कि मैं स्मारक के खिलाफ नहीं हूँ,
मैंने तो गांधी मंडपम के लिए भी ऐसे ही बोला था कन्याकुमारी में, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने तो गांधी मंडपम तो बना दिया, वो शिला स्मारक भी बना सकते हैं, तो पॉलिटिशियन है बाद में बदल सकते हैं। इसीलिए एकनाथ जी क्या करते थे, जब भी इनसे मिलते थे, एकनाथ जी की मेमोरी एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी थी, तो वो अपने टाइपिस्ट को साथ में लेकर जाते थे, ठीक है, और टाइपिस्ट बाहर ही बैठता था वेटिंग रूम में, एकनाथ जी जाके उसको डिक्टेट करते थे, वो पूरा जो संवाद हुआ टाइप करते थे, बाद में वापस जाके सिग्नेचर लेते थे। तो जब वो गए तो हुमायूं कबीर ने पूछा, आप क्या टेप रिकॉर्डर रखते हैं क्या पास में, उस समय मोबाइल तो थे नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने ऐसा ही बोला है, मैं स्मारक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं स्वामी जी के खिलाफ नहीं हूँ, और ऐसा करते हुए पहली बाधा दूर हो गई। लेकिन चीफ मिनिस्टर बोल रहे थे कुछ नहीं, उन्होंने ऐसे बोला होगा, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए मैं ये स्मारक नहीं होने दूंगा, यहाँ स्मारक की अनुमति नहीं दूंगा। फिर क्या करना है, एकनाथ जी ने बहुत संवाद करने का प्रयास किया लेकिन नहीं हो रहा था। फिर एकनाथ जी दिल्ली आए, दिल्ली आकर लाल बहादुर शास्त्री जी से मिले, और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा कि मैंने भक्तवत्सलम के बारे में, यानी मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा सुना है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में इनका मानते हैं, जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और बाकी सारे इसमें वो कांची कामकोटी के शंकराचार्य की बात मानते हैं, इसलिए मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिलना चाहता हूँ। अभी एकनाथ जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, वो सरकार्यवाह भी दो बार रह चुके थे, तो संघ के व्यक्ति को पंडित जवाहरलाल मिले ऐसा उस समय वातावरण था नहीं। तो शास्त्री जी ने बोला आप थोड़ा रुकिए, मैं देखता हूँ, उनका मूड देखते हुए बताता हूँ। दूसरा ऐसा भी है कि हम चीन के साथ युद्ध हार गए, है ना, 63 का पीरियड था, हम 62 में हार गए थे, तो वो शॉक में है, इसीलिए वो बहुत अच्छे सेहत में नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कब मिल सकते हैं, बताऊंगा करके करके महीने जा रहे, शताब्दी वर्ष समाप्त होने जा रहा है। तो एकनाथ जी फिर से गए और उन्होंने शास्त्री जी को पूछा कि कुछ तो भी तो आपने मार्ग बताना है, तो शास्त्री जी ने कहा आप ऐसा कीजिए, आप, या एकनाथ जी ने पूछा कि मैं कुछ सांसदों के सिग्नेचर लेकर एक आवेदन पत्र लेकर आऊं क्या, या संसद में उसको हम प्रस्तुत करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा कर दीजिए, लेकिन आप 3 दिन में ही कर दीजिए, संसद में 3 दिन के बाद उसको प्रस्तुत कीजिए। तो एकनाथ जी ने कहा ठीक है। 3 दिन में एकनाथ जी ने, यानी जिस प्रकार से एकनाथ जी, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने रुको रुको कहा था ना, वो सिर्फ रुके नहीं थे, यानी जब हम कार्य करते हैं हमारा ये कृतिशील धैर्य होना है, यानी रुकना भी है लेकिन सिर्फ रुकना नहीं है, काम करते रहना है। तो एकनाथ जी सारे पार्टी के लीडर्स को मिल रहे थे, कृति चल रही थी, पेशेंटली वेट भी कर रहे थे, इसलिए अब जब सिग्नेचर के लिए उन्होंने हाँ बोला, एकनाथ जी गए और उस समय दिल्ली में उपस्थित सारे सांसद, यानी 323 सांसदों की स्वाक्षरी उन्होंने ली, हस्ताक्षर लिए, और शास्त्री जी के पास गए। शास्त्री जी ने जब ये देखा वो बोले, मिस्टर रानड़े, आर दी सिग्नेचर्स रियल? 323, मैं तो सारी पार्टी के सिग्नेचर, सारे रीजन, रिलीजन, सारे कटिंग अक्रॉस ऑल लाइंस, दी एमपीज हैव साइन दिस, मिस्टर रानड़े यू गो होम एंड स्लीप। यदि 323 सांसद बोल रहे हैं, इसका मतलब राष्ट्र बोल रहा है, इसका मतलब ये स्मारक तो होना ही चाहिए। एकनाथ जी 3 दिन के बाद ये आवेदन पत्र संसद में भी बापूजी अणे ने प्रस्तुत किया। जैसे ये प्रस्तुत हुआ तो पत्रकार तो चुप नहीं बैठते हैं, पत्रकार गए नेहरू के पास और पूछने लगे आपका क्या कहना है। नेहरू जी ने कहा हाँ स्मारक तो होना चाहिए यदि सारे संसद बोल रहे तो, लेकिन ये सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए जब मैं भक्तवत्सलम से मिलूंगा तब मैं उनसे पूछूंगा कि क्या अड़चन है। तो पत्रकार तो चुप नहीं बैठते ना, नेहरू जी का ये वक्तव्य आया, प्रकाशित हुआ, तो तुरंत मद्रास के लोगों ने जाके भक्तवत्सलम को पूछा, अच्छा आपका क्या कहना है। तो भक्तवत्सलम ने पूछा, मैं स्मारक के खिलाफ तो था ही नहीं, मैं उसकी सुरक्षा लेकर चिंतित हूँ, इसीलिए मैं ना बोल रहा था।
तो जैसे ही ये उनका स्टेटमेंट प्रकाशित हुआ, मैं भी जानता हूँ कि आप स्वामी विवेकानंद के बड़े भक्त हैं, इसके आगे आप जो बताएंगे वो मैं करूँगा इस स्मारक के लिए। तो इनको लगा ये ऐसे ही बोल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उनको बोल दिया ठीक है आप स्वामी जी की मूर्ति वहां खड़ी कीजिए और उसको 15 फीट बाय 15 फीट में बंद कर दीजिए सिक्योरिटी के लिए। अभी 15 फीट बाय 15 फीट यानी इसका आधा भी नहीं, आधे से भी कम, ऐसे छोटे कमरे में स्वामी जी की मूर्ति लगाना है जबकि पूरा राष्ट्र इसको चाह रहा है। तो एकनाथ जी ने कहा ठीक है आप जो बोलेंगे वही मैं करूंगा, लेकिन यह विषय थोड़ा अखिल भारतीय हो गया है इसलिए मैं 6 लोगों से मिलूंगा और वो 6 लोग जो भी बताते हैं मैं आके आपको बताऊंगा, फिर आप जो बोलते हैं वो मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा कौन है ये 6 लोग? तो इन्होंने कहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राधाकृष्णन, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, रिटायर्ड चीफ जस्टिस एनसी छागला, रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी माधवानंद जी और कांची कामकोटी के परमाचार्य श्री चंद्रशेखर इंद्र सरस्वती। परमाचार्य उन्होंने ध्यान में रखा था, ये परमाचार्य का बाकी विषयों में सुनते हैं। अभी इनमें से किस नाम के लिए वो बोल सकते हैं इनको मत मिली है वो बोल तो नहीं सकते। तो एकनाथ जी गए जवाहरलाल नेहरू के अलावा बाकी सबसे मिले, और यानी ईश्वर की इच्छा हम देखते हैं कि परमाचार्य ने स्वयं इसमें रुचि ली। उन्होंने जो पारंपरिक स्थपति होते हैं वहाँ के पत्थर पे काम करने वाले श्री एस के आचार्य, उनके साथ बैठते हुए उन्होंने एक सुंदर विवेकानंद मंडपम का डिजाइन किया और वो लेकर एकनाथ जी भक्तवत्सलम को मिलने आए। उन्होंने भक्तवत्सलम को बताया कि मैं सबसे मिला, लेकिन ये जो यानी परमाचार्य जो है उन्होंने इसमें बहुत रुचि दिखाई और इसीलिए उन्होंने स्वयं एक रेखा चित्र बनाया है। उन्होंने कहा अच्छा तो मुझे बाकी मत दिखाइए, मुझे वही दिखाइए। फिर वो देखकर भक्तवत्सलम ने कहा बहुत सुंदर है, ये परमाचार्य ने स्वयं बनाया है। इन्होंने कहा स्वयं बनाया है, ठीक है तो फिर आप इसी के अनुसार कर लीजिए। एकनाथ जी ने कहा लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। नहीं चल जाएगा, आप इसी के अनुसार कर लीजिए। अभी थोड़ा बड़ा यानी वो 130 बाय 56 तो 15 बाय 15 कहा और 130 बाय 56 कहा। अभी ये तो सिर्फ विवेकानंद मंडपम के लिए अनुमति मिली। फिर कुछ महीनों के बाद एकनाथ जी फिर गए भक्तवत्सलम के पास, उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद देवी के भक्त उनके लिए मंडप है और देवी का जो पद चिन्ह है वो धूप में रहेगा वो तो अच्छा नहीं, इसलिए एक श्रीपाद मंडपम बनाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है श्रीपाद मंडपम बनाइए। फिर कुछ महीने के बाद फिर से मिलने के लिए गए, बोले स्वामी विवेकानंद ने यहाँ ध्यान किया, अपने जीवन का उद्दिष्ट प्राप्त किया, तो जो भी युवा यहाँ आएगा अपने जीवन के उद्दिष्ट के बारे में चिंतन करना चाहेगा, लोग ध्यान करना चाहेंगे तो यहाँ एक ध्यान मंडप होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ध्यान मंडप बना दीजिए। फिर धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वार्टर्स, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स, ऐसा करते हुए एक भव्य स्मारक की अनुमति एकनाथ जी ने भक्तवत्सलम से प्राप्त की। अभी अनुमति तो मिली लेकिन उन दिनों में अभी पैसा चाहिए इतना भव्य, क्योंकि समुद्र से पत्थर को लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे और फिर वहाँ भव्य स्मारक बनाना है, पैसा कहाँ से आएगा। किसी ने एकनाथ जी को कहा तुम्हारा तो जन्म इसमें जाने वाला है, जो उनके मित्र थे, ये क्या काम तुमने लिया। एकनाथ जी ने कहा सही है, मेरा काम तो लोगों को जोड़ने का, समाज में संगठन करने का है, ये पत्थर के ऊपर पत्थर रखने का है नहीं। लेकिन जो कार्यकर्ता होता है ना उसको जो भी काम दिया जाए वो उसमें मूल कार्य करता ही है, जो मूलभूत कार्य होता है वो करता ही है। एकनाथ जी ने भी यही सोचा कि चाहे वो स्मारक का काम हो मैं लोगों को स्मारक के कारण से जोड़ूंगा, और ऐसा सारा नियोजन किया। ये अपना 1965-66 के दिन थे, उन दिनों में अपने देश में खाने के लिए अनाज भी ठीक से नहीं था, आप जानते हैं ना। लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया था कि आप सोमवार के रात का खाना मत खाइए तो वो अनाज बचेगा, हम अपने जवानों को खाना भेज सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में एकनाथ जी ने 1 रुपए का फोल्डर बनाया, उसमें स्वामी जी का खड़ा चित्र, क्योंकि ध्यान करने के बाद
इस राष्ट्र के पुनरुत्थान का संदेश लेकर जिस प्रकार से स्वामी जी खड़े हुए, तो वो खड़े स्वामी जी का एक चित्र जो एसएम पंडित ने बनाया था, और फिर वो शिला स्मारक की प्रतिकृति और स्वामी जी का एक विचार उस फोल्डर पे था। कौन सा विचार पता है? स्वामी जी कहते हैं, उन दिनों में जब अपने देश इतना अवनत स्थिति में था और अभी भी चीन के साथ युद्ध हारने के बाद हम ऐसे स्थिति में थे, खाना ठीक से उपलब्ध नहीं, और एकनाथ जी ने स्वामी जी का वो संदेश सुना जिसमें स्वामी जी कहते हैं, मैं भविष्य में ना देखता हूँ ना देखना चाहता हूँ, लेकिन एक चित्र मेरे आंखों के सामने स्पष्ट उभर रहा है, ये प्राचीन भारत माता पहले से भी अधिक वैभवशाली सिंहासन पर बैठकर उभर रही है और उसकी शांति और मंगलमय शब्दों के साथ पूरे विश्व में उद्घोषणा कीजिए, कल्पना कीजिए। उन दिनों में स्वामी जी लिखते हैं, यदि आज कोई कहता है कि भारत है ना यानी वैभवशाली बनेगा तो आज हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन उन दिनों, और ये विचार एकनाथ जी ने जानबूझ के चुना कि लोगों का विश्वास वापस आएगा, भारत फिर से उठेगा, और ऐसा फोल्डर लेकर पूरे भारत भर संघ के स्वयं सेवक, फिर हर राज्य में एक एक प्रांत की कमिटी बनाई, उसमें प्रांत उसमें सारे पक्ष के लोग, सारे विविध क्षेत्र के लोगों को उस कमिटी में रखा, और ऐसा करते हुए एक एक रुपए फोल्डर से 85 लाख रुपया उन दिनों इकट्ठा किए गए, आप कल्पना कर सकते हैं। फिर सारे राज्य सरकार ने इस स्मारक के लिए लगभग 1 लाख रुपया, किसी ने थोड़ा ज्यादा किसी ने थोड़ा कम, लेकिन कोई भी पार्टी की सरकार हो, सारे राज्य सरकार ने इसके लिए 1-1 लाख रुपया दिया, यानी शेख अब्दुल्ला की जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने भी इसके लिए 1 लाख का प्रॉमिस दिया, 25,000 हाथ में दिए, बाद में 25,000 फारूक अब्दुल्ला से एकनाथ जी ने फिर से लिए, तो या होकेशी सेमा जो क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर नागालैंड का था, उन्होंने भी इसके लिए पैसे दिए, ऐसा करते हुए पूरे भारत भर से, और केंद्र सरकार ने 15 लाख दिए, और ऐसा करते हुए 1,30,00,000 का ये भव्य स्मारक वहां खड़ा हुआ। अभी ये स्मारक तो खड़ा हुआ, उसका उद्घाटन, क्योंकि पूरा भारत इसमें लगा है, सही अर्थ से राष्ट्रीय स्मारक है, क्योंकि सारे राज्य सरकार ने मदद की है, सारे सांसदों ने सिग्नेचर दिए थे, पूरे समाज से 1-1 रुपया करके आया है, तो बहुत लोग आना चाहेंगे, और कन्याकुमारी तो छोटा सा गांव, इसीलिए इस स्मारक का उद्घाटन समारंभ भी 2 महीना चला, एक एक राज्य के लिए एक एक पीरियड दिया गया, और उस राज्य के लोग उस पीरियड में आए, और सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तब हुई थी, सारे लोग यानी 2 सितंबर 1970 में इस शिला स्मारक का उद्घाटन हुआ, 2 महीना उद्घाटन समारंभ चला। लेकिन एकनाथ जी ने सोचा कि स्वामी विवेकानंद जिनके प्रति इतनी श्रद्धा है, जिसका मूर्त रूप ही ये भव्य स्मारक है, तो उस स्वामी विवेकानंद का स्मारक सिर्फ शिला स्मारक तक सीमित नहीं होना है, तो उनका स्मारक ऐसे युवक युवतियों के जीवन में, अपने देश के लोगों के जीवन में होना है कि जो अपने देश के प्रति प्रेम लेकर देश के कोने कोने में जाकर, गांव गांव में जाकर कार्य करेंगे, तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद का संदेश लेकर कार्य करने वाला एक अध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन, ऐसा एकनाथ जी ने विवेकानंद केंद्र 1972 में शुरू किया। तो अभी ये कैसा शुरू किया, उन्होंने जाहिरात दी, पूरे भारत भर प्रेस वार्ता ली, और उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि आप यदि आपका जीवन देश के लिए समर्पित करना चाहते हैं तो विवेकानंद केंद्र में आइए। फिर ऐसे युवाओं को जिन्होंने, बहुत लोगों ने आवेदन पत्र भेजे, फिर उससे कुछ लोग तैयार भी हुए, लेकिन घर के लोग रोते हैं तो छोड़ दिया, ऐसा भी कुछ लोगों का हुआ। आखिर जो लोग कन्याकुमारी पहुंचे उनका पहले प्रशिक्षण करते हुए फिर उनको पूरे भारत भर में सेवा कार्य करने के लिए भेजा जाता है। तब से यानी 73 में पहली बैच का प्रशिक्षण जो 74 में पूरा हुआ, और फिर ज्यादातर लोगों को एकनाथ जी ने पहले उत्तर पूर्वांचल में भेजा। आप जानते हैं ना, उत्तर पूर्वांचल का जो अरुणाचल प्रदेश है, आज भी चीन उस पर अपना अधिकार जमाता है, कहता है कि ये चीन का अंग है,
और ऐसे स्थिति में यानी जब 1962 के युद्ध में चीन की सेना तेजपुर तक पहुंच गई थी आसाम में, पूरे अरुणाचल को ये करते हुए, बाद में वापस गई, लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश के लोग थे उस समय वहाँ शिक्षा कम थी, तो उनको ये भी पता नहीं था कि हम भारत में हैं या चीन में हैं, और चीन के तो अपने षड्यंत्र थे ही, तो यदि वो हमारे लोगों को भ्रमित करते हैं और अपने लोग यदि आतंकवादी हो जाते हैं, तो वो इतनी पहाड़ी एरिया है वहाँ कि हम अपनी पूरी सेना भी डालेंगे तो भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और फिर प्लेन्स एरिया यानी आसाम भी अपने हाथ से पूरा उत्तर पूर्वांचल ही चला जाएगा। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश पर एकनाथ जी ने फोकस किया कि वहाँ के लोग यदि राष्ट्रीय सोच के हैं तो अपने भूमि की रक्षा होती है, और लोग बड़े सरल और अच्छे हैं, तो कोई भी उनको भ्रमित नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमने उनके लिए सघन कार्य करना चाहिए करके वहाँ केंद्र का सेवा कार्य शुरू हुआ। यानी ऐसा है ना कि चीन से यदि लोग अरुणाचल में आते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर बड़ी पोरस है, तो वो जब आते हैं तो आर्मी तो पहचान नहीं सकती है कि ये चीन का है या अरुणाचल का है, क्योंकि देखने के लिए एक जैसे है, लेकिन गांव के लोग तो पहचान ही सकते हैं कि ये बाहर का है, और इसीलिए अपने लोग राष्ट्रीय विचार के होने हैं। तो ऐसा विवेकानंद केंद्र का कार्य हुआ और वो सफल हुआ। यानी आज जब भी चाइनीज इंकर्शन होता है, केंद्र के विद्यालयों में पढ़कर बाहर आए हुए जो स्टूडेंट है, जो आज सर्कल ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, टीचर्स है, अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो ऐसा जब कभी होता है वही पहले इंफॉर्मेशन देते हैं, और पूरे अरुणाचल में ही एक सघन सेवा कार्य केंद्र ने लिया, और आज केंद्र के वहाँ, यानी कल्पना आने के लिए बताती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली असम से भी बड़ा है, लेकिन जब केंद्र ने वहाँ काम शुरू किया, वहाँ की जनसंख्या सिर्फ 7.5 लाख थी। आप कल्पना कीजिए, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हमारे शिक्षक जो पूरे भारत भर से चुने जाते थे, उनको स्कूल पहुँचना है, असम पहुँचने के बाद 50 किलोमीटर है, तो पहले उनको बस में बैठना है, फिर 15 किलोमीटर के बाद उतरना है, फिर बोट में बैठना है, फिर पैदल चलना है, क्योंकि वो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ना, उसके बीच बीच में अनेक स्ट्रीम्स है, फिर कभी वो जीप वहाँ की जो होती है बीच की, वही बोट पे चढ़ानी है, फिर कभी वो नदी को बहुत फोर्स है तो बोट भी नहीं जा सकती, फिर हाथी के ऊपर चढ़ना है और उसको क्रॉस करना है, छोटे बच्चे सामान ऐसा हाथ में लेकर, शिक्षकों ने, कार्यकर्ताओं ने उन दिनों में काम किया। अभी तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हो गए हैं, पिछले 5 बरस में तो बहुत ही अच्छे हो गए हैं, तो वहाँ ऐसा कार्य किया, इसलिए आज जैसे एक छोटा सा उदाहरण देने के लिए बताती हूँ कि यदि क्रिश्चियन एमएलए को भी जीत कर आना है तो वो कहता है कि आप मुझे चुनकर लाते हैं तो मैं यहाँ विवेकानंद केंद्र विद्यालय शुरू करूँगा। इतना लोग विवेकानंद केंद्र विद्यालय, उसको VKV कहते हैं, इतना चाहते हैं। वो डॉन बॉस को लेकर आऊंगा नहीं कहता है, वो VKV लेकर आऊंगा कहता है। तो अरुणाचल में इस प्रकार से बहुत सघन कार्य चल रहा है। तो केंद्र का आज जो जीवन व्रति कार्यकर्ता है, यानी जो केंद्र ज्वाइन करते हैं, उनका पहले 5 बरस का प्रशिक्षण होता है, फिर उनको दीक्षा दी जाती है, और ऐसे जीवन व्रति, फिर सेवा व्रति जो 2 बरस के लिए, 3 बरस के लिए आके काम करते हैं, फिर स्थानिक कार्यकर्ता है, ऐसे सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज विवेकानंद केंद्र का पूरे भारत भर में 1005 स्थानों पे कार्य चल रहा है। यानी सेवा के अलग अलग क्षेत्र भी है, जैसे शिक्षा है, ग्राम विकास है, नैसर्गिक संसाधन विकास है, सांस्कृतिक शिक्षा है, सांस्कृतिक रिसर्च है, ऐसे सारे क्षेत्र भी है, और जो नित्य चलने वाली शाखाएं हैं यानी ब्रांच सेंटर्स है, जिसमें योग का, संस्कार का, वो भी सारा काम चलता है। तो ऐसा विवेकानंद केंद्र का पूरे भारत भर में काम चलता है। आज आपको जयप्रकाश जी और गौतम जी इनका जो आग्रह था, ये शिला स्मारक के बारे में आपको बताने का, उसका एक जो प्रासंगिकता है वो ऐसी है कि इस 2 सितंबर को यानी कुछ दिन पहले ही विवेकानंद शिला स्मारक का 50वां वर्ष शुरू हुआ है।
और इस 50वें वर्ष में विवेकानंद केंद्र ने सोचा है कि इसको एक भारत विजयी भारत इस नाम से संपर्क का कार्य हाथ में लेकर मनाएंगे, क्योंकि संपर्क के कारण ही ये स्मारक संभव हुआ। तो और ये स्मारक इसका उदाहरण है कि भारत जब एक होता है वो सफल होता है, वो विजयी होता है। तो इसलिए एक भारत विजयी भारत इस नाम से पूरे भारत भर में जहाँ जहाँ केंद्र की शाखाएं हैं वहाँ समाज के कुछ 28 श्रेणियों में संपर्क किया जाएगा, और ऐसा ही वर्ष भर चलेगा। और जब 50वां वर्ष पूरा होगा तब एक भव्य कार्यक्रम कन्याकुमारी या दिल्ली में होगा ऐसा। और फिर विवेकानंद केंद्र कुछ और सघनता से 50वां वर्ष जो हो गया सेवा कार्य हाथ में लेगा, ऐसी एक योजना बनी है। तो इतना बताते हुए मैं समाप्त करती हूँ। आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो भी आप जरूर पूछ सकते हैं यदि समय है तो।